सो गाइस वेलकम टू जय मल्होत्रा लाइफ हैक्स में, यही जय मल्होत्रा आप सबका स्वागत करता है। सो आज की वीडियो हमारी बेस्ड है कि इस लॉकडाउन के बाद ऐसे कौन से पांच बिजनेस होने चाहिए जो कि हमें अब चालू करने चाहिए और जिनमें बहुत प्रॉफिट होने वाला है। बहुत जॉब्स की बात करते हैं, जॉब्स की बात भी हम करेंगे। और कल की वीडियो का टॉपिक मैं आपको अभी से बता दूं कि ऐसी कौन सी जॉब्स हैं बॉयज और गर्ल्स के लिए जो कि अब आपको लॉकडाउन के बाद मिलने वाली है, और वो भी कोई गवर्नमेंट नहीं बताने वाला, प्राइवेट ही बताने वाला हूँ। सो आज की वीडियो जो हमारी बेस्ड है कि ऐसे कौन से पांच छोटे बिजनेस है, ये भी नहीं कि बहुत लार्ज स्केल के बिजनेस बताऊंगा आपको, कि कौन से ऐसे छोटे पांच बिजनेस जो आपको चालू करने चाहिए, देन उसकी वजह से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। सो आज की वीडियो अब हम ज्यादा डिले ना करते हुए अब शुरू करते हैं। सो आज की वीडियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पहला बिजनेस हमारा बहुत ही ईजी है और आजकल आप देख रहे होंगे उसे मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग भी है। सो हमारा पहला बिजनेस है जैसे कि आजकल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। सो इसमें आपके आते हैं ये मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, ग्लव्स हो गए। आप इनका मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं और आप इनकी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब मैन्युफैक्चर करने में तो मैं मानता हूं कि भले ही थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, लेकिन ट्रेडिंग आप 5 से 10 हज़ार के अंदर भी आप कर सकते हैं। अब 5 से 10 हज़ार का सपोर्ट मैं जानता हूं जो भी मेरा व्यूअर है वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर सकता है, और 5 से 10 हज़ार का आप अरेंजमेंट करके इसका ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको इसकी मैन्युफैक्चर से आप डायरेक्ट परचेज करें, देन उसके बाद आप इसको रिटेल करें या आप इसको होलसेल की तरह ही सप्लाई करें, तो इसमें आपको अच्छा मार्जिन है। भले ही कम स्केल पे मार्जिन होगा, लेकिन इसकी इस टाइम सेल बहुत ज़्यादा है तो आपको वो कम स्केल का मार्जिन भी ज़्यादा अखरेगा नहीं। सो नेक्स्ट आते हैं हमारा एक है पेपर बैग्स के ऊपर, जो हमारा सेकेंड बिजनेस है पेपर बैग्स के ऊपर। अब पेपर बैग्स का आप सोच रहे होंगे कि ये तो यार टॉयलेट पेपर की तरह ही हो गया, इसको कहाँ ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो आप सबको एक ये चीज़ तो मैं बता दूँ कि टॉयलेट पेपर अब टॉयलेट तक सीमित नहीं रहा, अब ये थोड़ा सा ना उससे भी आगे बढ़ गया है। अब उससे आगे बढ़ गया है तो उसमें अब आपको मैं इसको यूज़ बताता हूँ कि पहले आजकल इसका यूज़ कहाँ हो रहा है। आप इन पेपर्स का यूज़ अपने घर के जो डोर हैंडल्स हैं आप वहाँ पे इसको कर सकते हैं, क्योंकि उनको बार बार सैनिटाइज करना ईजी नहीं होता कि हर बंदा जो आ रहा है जा रहा है तो उसको पहले उसके आने जाने के बाद सैनिटाइज का गेम करते रहें। सो उसके लिए सैनिटाइजेशन ईजी नहीं होता, इसीलिए आप पेपर बैग्स का भी बिजनेस यूज कर सकते हैं, और उसको आप पेपर्स को उस तरीके से यूज कर सकते हैं कि आपका सैनिटाइज का बार बार का एफर्ट बच जाएगा और इससे आपके घर में ही बीमारियां आने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। सो पेपर बैग्स का जो है यूज आप अपने घर के डोर हैंडल्स पे कर सकते हैं, कार के लिए कर सकते हैं, कार के अंदर आप रख सकते हैं, क्योंकि आप जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो आपको क्या पता आपके पीछे किस बंदे ने उस गाड़ी में आपको हाथ लगाया है, या आपके किसी जो ड्राइवर को आपने कहा है कि इसे पार्किंग लॉट में इस साइड से दूसरी साइड कर दो, देन उसने पता नहीं कैसे था, क्या पता वो ही कोई कोरोना पॉजिटिव ना हो या कुछ भी ऐसा इशू ना हो। सो इसीलिए आपको ये पेपर का ये अपने पास भी रखना होगा, जस्ट लाइक आप अपने पास पेपर भी इसको कैरी कर सकते हैं, बहुत लाइट वेट होता है, अपनी गाड़ी में भी कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि जब आप पार्किंग वाला आपकी गाड़ी इधर से उधर कर रहा है तो बेसिकली वो आपके स्टीयरिंग व्हील को तो छुएगा ही, कोई ये तो है नहीं कि धक्का मार के ही करेगा, तो स्टीयरिंग व्हील को भी आप उस टाइम उसको क्लीन कर सकते हैं, देन उसको यूज कर सकते हैं। सो अब हमारा तीसरा बिजनेस इस बार सबसे ज्यादा अच्छा होने वाला है, एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा क्या किया है कि ये कहा है कि हम जो आउटसोर्स करते थे प्रोडक्ट्स उनका थोड़ा सा काम अब कम करेंगे। सो इंडियन गवर्नमेंट हमें इम्पोर्ट के लिए ज्यादा प्रमोट नहीं कर रही, जबकि एक्सपोर्ट के लिए ज्यादा प्रमोट कर रही है। इनकेस अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करते हैं कि जिसकी डेवलपमेंट में इंडिया को फायदा हो और एक्सपोर्ट करने में भी इंडिया को फायदा हो और जिसको एक्सपोर्ट करना इजी भी हो, सो वो उसके लिए आपको गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है और गवर्नमेंट उसके लिए आपको फंड्स भी प्रोवाइड कर रही है। सो आप ये कहीं भी जाके, मैं कहता हूँ नॉर्मली गूगल पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि आप अपना कोई स्मॉल स्केल बिजनेस चालू करना चाहते हैं, देन उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट कैसे आपको फंड्स प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी 20 लाख करोड़ का तो अभी पीएम मोदी ने अभी अनाउंस किया ही है, वो कब यूज करने का टाइम आएगा तो वो इसी काम में आएगा। तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस सब पे ध्यान दीजिएगा और अपने इन छोटे छोटे बिजनेस को सेटअप करने का कोशिश कीजिएगा। देन हमारा फोर्थ पॉइंट आता है आजकल कि ये व्हीकल की क्लीनिंग के ऊपर। अब व्हीकल की क्लीनिंग, नॉर्मल क्लीनिंग नहीं कह रहा कि मैं जाकर क्लोथ से साफ कर ली देन ये हुआ, व्हीकल वॉशिंग के ऊपर। अब आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रेवल करते हैं या आप कहीं भी एक लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए गए हैं, सो अब सबको ये जरूर डर लगा रहेगा आने जाने के बाद कि अब भैया इस गाड़ी के मैं कितनी जगह गया हूँ, क्या पता कोई इन्फेक्टेड एरिया में गया हूँ, किसी इन्फेक्टेड बंदे ने हाथ लगाया हो। सो इसी के लिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोशिश कीजिएगा
कि जितना हो सकता है अपने व्हीकल को टाइमली क्लीनिंग करवाते रहिएगा, क्योंकि व्हीकल भी आपका कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि उस पर भी कहीं ना कहीं आपके सिम्टम्स मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिम्टम्स नहीं मिलेंगे, सिम्टम्स आपको कहीं भी मिल सकते हैं। एंड जो हमारा फिफ्थ है, फिफ्थ हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसके लिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप अपना घर बैठे एक यूट्यूब का बिजनेस भी चालू कर सकते हैं। सो आप ब्रांड प्रमोशन करो, ऑनलाइन मार्केटिंग करो, कुछ भी करो, घर पे बैठे बैठे भी आप ये प्रमोट कर सकते हैं। बस इसमें क्या चाहिए, आपको थोड़ी सी नॉलेज चाहिए डिजिटल मार्केटिंग की। जैसे आपको मैंने अपनी वीडियोज में बताया कि डिजिटल मार्केटिंग भी आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इनकेस अगर आप कर सकते हैं तो करिए। और आप सबको मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारी वीडियोस का जो व्यूज का सिलसिला है वो बहुत अच्छा जा रहा है, इसके लिए आप सबको थम्स अप। ये ऐसा नहीं है कि इसके लिए मैं आपको थम्स अप नहीं कह सकता। मेरे जो लास्ट वीडियो में सब्सक्राइबर्स थे, मैंने आपको बताया था कि 729 है। सो इस वीडियो के एंड होने तक 744 या 743 हो चुके हैं। मैं कहता हूँ स्लो एंड स्टडी बढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, ये भी नहीं कि बहुत हबड़ा दबड़ी में बढ़ रहा हूँ। सो यही एक रीज़न है कि मेरे को इस बात में कोई ग्रोथ में कोई टेंशन नहीं है। बस मेरे वॉचर्स अभी थोड़े से कम है, धीरे धीरे पॉपुलर होंगे, धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा कि जो इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है वो भी काम की है। और अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अब लोगों को ये लगता है, जो एजेड लोग हैं, बेसिकली जो 60+ ईयर्स के लोग हैं, उनको ये लगता है कि भाई ये कॉन्टेंट क्या है, ये कॉन्टेंट किसके लिए है। सो उन लोगों के लिए स्पेशली मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि सॉरी, ये कॉन्टेंट बिल्कुल आपके लिए नहीं है। ये कंटेंट आजकल की यंग जनरेशन के लिए है, कि इसमें उनको थोड़ा सा समझ में नहीं आता। मैं ये नहीं कहता कि वो समझना नहीं चाहते, लेकिन ये कंटेंट मैं उनके लिए नहीं बना पा रहा अभी। जैसे ही कुछ उनके लिए कंटेंट बनाऊंगा तो पहले ही हमेशा अपनी वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि आज का ये कंटेंट 60+ ईयर्स के लोगों के लिए है। सो मेरे को, जैसे कि मैं आप सबसे मांगता रहता था ओपिनियन कि हेयर प्रोडक्ट कोई सजेस्ट करो, हेयर प्रोडक्ट सजेस्ट करो, तो आप में से किसी एक व्यूअर ने मेरे को एक हिमालय का प्रोडक्ट सजेस्ट किया था। एंड इसको मैं कम से कम अभी 3-4 दिन तो हो गए मेरे को यूज़ करते हुए। ये बेसिकली अगर आपको दिख रहा हो तो एंटी हेयर फॉल क्रीम है। अब मेरा हेयर फॉल तो बहुत होता था और इसमें ये क्लियरली मेंशन है कि रिड्यूसेस हेयर फॉल और प्रमोट्स हेयर ग्रोथ। तो हिमालय का ये प्रोडक्ट है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं, आई गेस ये 90 या 80 रुपीज़ का है। ये आपको नॉर्मल हिमालय स्टोर पर मिल ही जाएगा। मैं आपको सबको ये रिकमेंड इसलिए करता हूँ क्योंकि इसको लगाने के बाद हमारे जो कॉम करने का टाइम होता है तो उसमें बाल टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। नॉर्मली इजीली सिल्की वे में आपके वो हो जाती है कॉम और टूटते नहीं है। सो ये ग्रोथ को प्रमोट करे ना करे, लेकिन टूटने और हेयर फॉल का शायद मेरे ख्याल से इस वजह से कम हो जाएगा। और इसके बाद का जो इसका स्मेल का एसेंस है, जो इसकी खुशबू है, वो बहुत लाजवाब है। इसको लगाने के बाद आपको ये लगता है कि आपको डीओ लगाने की भी जरूरत नहीं है। सो आपको इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो आज की वीडियो में अब मेरा यही था कि टॉप 5 ऐसे कौन से बिजनेस होने चाहिए जो आपको करने चाहिए इस लॉकडाउन के खत्म होते ही। आप कोशिश कीजिएगा इनकेस अगर आप ये सब कर सकते हैं तो, और मैं जानता हूं कि आप ये सब कर सकते हैं। सो अमेज़न की सेलर वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और उसके साथ साथ मैंने आपसे एक सजेशन मांगा था, अगर हो सकता है तो वो भी पॉसिबल दीजिएगा। और आप मेरे को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, ऐसे ही मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाते रहिएगा और मेरे चैनल को जितना हो सकता है शेयर करो, वीडियोस को वॉच करो, क्योंकि मेरे को आपके वॉच आवर्स की बहुत ज़रूरत है। आप वॉच करो, देखो, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड सॉरी 60+ ईयर्स के लोगों की, आपके लिए अभी कॉन्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ऐसा कोशिश करेंगे कि जो बड़ी एज के लोग हैं उनके लिए भी वीडियोज़ बने। धन्यवाद।